लोगों में प्यार जगाने आया था अपने लिए। हम करण को लेके ये फिल्म, करण को भी ले सकते हैं हम एज ए लीड। और भाई आपके फ्यूचर प्लान्स को लेके हर कोई बेकरार है, आप फिल्मों में दिखाई दो, वेब सीरीज में दिखाई दो, दूसरे खतरों के खिलाड़ी से लेके अलग अलग रियलिटी शोज की भी बात चल रही है, आप खुद क्या बताना चाहोगे अपने फैंस को? मेरा एक मकसद था बिग बॉस के थ्रू, यू नो, कि जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज जो हैं, जो कि बड़ी बड़ी फिल्म्स बनाते हैं या बड़े शोज बनाते हैं वेब के लिए या टेलीविजन के लिए, वो शायद मुझे एक डिफरेंट लाइट में देखें कि यार करण को भी ले सकते हैं हम एज ए लीड, और यू नो ये बैंकेबल है अब क्योंकि पॉपुलर है और प्यार है इसके पास। टू बी ऑनेस्ट, मैं वही करने आया था, मैं लोगों में प्यार जगाने आया था अपने लिए। बट जो मुझे मिला है, इट इज 10 times, 20 times, 30 times, 1 lakh times मोर देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। अब अगर कुछ नए दरवाजे मेरे लिए खुल जाते हैं, कुछ डायरेक्टर्स सी मी इन दैट लाइट, यू नो कि यार हम करण को लेके ये फिल्म या ये शो या ये यू नो कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, अगर उनके अंदर एक भरोसा जागा है मेरे लिए कि यू नो मेरे लिए भी लोग आएंगे पिक्चर देखने, या मेरे लिए भी लोग सब्सक्रिप्शंस लेंगे, या मेरे को सपोर्ट करने के लिए लोग मेरे शोज देखेंगे, तो उससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं होगा। जो कि मुझे मुझे काफी हद तक यू नो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि वो हो रहा है। थैंक यू सो मच भाई फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, और हमेशा की तरह आपसे बात करके बड़ा मजा आता है। उम्मीद करता हूँ मैंने थोड़ी बहुत बातचीत आपसे की आपको भी पसंद आई। आई हैड अ ब्लास्ट आशीष, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम दैट स्पेंड विद यू। थैंक यू, एंड उम्मीद करता हूँ अगली बार इन पर्सन मिलकर बात करें इस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू दूर दूर से बात करें। कोविड कोविड थैंक यू भाई।